किडनी में प्रॉब्लम हुई थी, फिर मैं यहाँ इंडिस मेहंदी रत्ता में आया था जी, यहाँ पे मेरा इलाज चला तो इन्फेक्शन निकला उसके अंदर किडनी में, फिर एक किडनी का दूरबीन के साथ स्टोन निकाला जी, फिर स्टोन निकाल के डॉक्टर श्रेयस सर ने टेस्ट के लिए भेजा दूसरी किडनी का इलाज करवाने के लिए, उसका टेस्ट निकला ही खराब, किडनी खराब है दूसरी, फिर उसका ही निकाल दिया किडनी को डॉक्टर श्रेयस सर ने, यहाँ पे मेरा इलाज बढ़िया हुआ जी, वेरी गुड डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयस भालेराव हूँ, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ इंडस में दिरत्ता हॉस्पिटल में। मदन लाल जी हमारे पास कुछ दिनों पहले आए हुए थे, इनके दोनों किडनी में कमर के रास्ते पाइप लगी हुई थी बाहर से, क्योंकि इन्हें काफ़ी इन्फेक्शन हुई थी। जब ये हमारे पास आए तब भी इन्फेक्शन इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, बुखार था, और जो किडनी में दली हुई दोनों पाइप थी इसमें से भी पस आ रही थी। जब हमने इनकी पूरी जाँच की तो हमें ये पता चला कि इनके राइट साइड की किडनी में काफ़ी बड़ा स्टोन है, और लेफ्ट किडनी वैसे दिखने में सिटी स्कैन पे थोड़ी ख़राब सी लग रही थी। तो हमने सबसे पहले तो इन्फेक्शन दूर करी, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो राइट किडनी में जो इनका स्टोन है पहले उसको ठीक किया जाए, क्योंकि राइट किडनी फंक्शनल थी, ज़्यादा बेटर थी। तो फिर हमने PCNL सर्जरी जो होती है दूरबीन के ज़रिए स्टोन को रिमूव करना, वो इनकी हमने राइट साइड पर की, जिससे हमने राइट साइड में इनके स्टोन को पूरी तरह क्लियर कर दिया। फिर अब बारी थी लेफ्ट किडनी की, तो लेफ्ट किडनी के लिए पहले हमने तो एक DTPA स्कैन करवाया, जिससे हमें ये पता चलता है कि किडनी का फंक्शन कितना है। उस स्कैन के ज़रिए हमें ये पता चला जो इनकी लेफ्ट किडनी है वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए हमने इनका दूरबीन के ज़रिए मतलब लैप्रोस्कोपी के ज़रिए किडनी रिमूव करने का ऑपरेशन प्लान किया। ये ऑपरेशन हमने इनका 25 जुलाई को किया, और उसके 4 दिन बाद हमने इनकी छुट्टी कर दी। बाकी ऑपरेशन ये फॉलोअप के लिए हमारे पास आए हुए हैं, आज हमने इनके स्टीच भी रिमूव कर दिए और ये पूरी तरह स्वस्थ है, घूमते फिरते हैं, और इन दोनों सर्जरी से इन्हें काफ़ी फायदा हुआ, और हमें भी खुशी है कि हम इनकी पूरी तरह ठीक होने में हेल्प कर पाए। धन्यवाद।